नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SBI 9 न्यूज। गुरमीत सिंह मीत हेयर को पंजाब का मंत्री बनाया गया है। जी हां, यानी कि भगवत मान की कैबिनेट में इन्हें जगह मिली है। इंजीनियर सेक्टर में इन्हें जो है, ये इंजीनियर है वैसे, कई ऐसे किसान हैं जिन्हें जो है मंत्री में जगह मिला है, कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिला है, कई ऐसे आम लोग भी हैं जिसे मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, जिसमें से हेयर जी हैं इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिला है। देखना यही होगा कि क्या वाकई में पंजाब में जो उनका कैबिनेट मंत्रिमंडल बना है, जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता रहे हैं जो दोबारा जीत कर गए हैं, उन्हें भी पंजाब में भगवान मान के कैबिनेट में जगह नहीं मिला है। जी हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जगह मिला है जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, और इसीलिए आज भगवान मान के कैबिनेट की चर्चा हो रही है, खूब चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, ये चर्चा यहाँ तक आ गई कि पहले कैबिनेट मंत्री में जो फैसला लिया गया है वो बेहद लाजवाब है, सरकारी नौकरी की बौछार लगा दी गई है। एक बात तो समझ में आया तमाम नेताओं के बयान को सुनकर, सीएम अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवान मान और तमाम कैबिनेट में जो मंत्री बने उन सबके बयान को सुनकर एक चीज समझ में आया, और वो ये कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लंबा रहने वाली है। लंबा इसलिए रहने वाली है क्योंकि उन तमाम मंत्रियों को जगह मिला है जो पंजाब की आवाम पर राज करते हैं, पंजाब के लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ कर आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कई ऐसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, किसान हैं जिन्हें भगवान मान के कैबिनेट में जगह मिली है, और ये बहुत बड़ी बात है। पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम सेक्टर में अच्छा काम करेंगे। किसानों का जो सबसे बड़ा मसला रहा है हम सब जानते हैं, और उसमें किसानों को दो दो किसान को जो है मंत्री का जगह मिला है, तो समझ सकते हैं कि किसानों की समस्या कितनी आसानी से दूर की जाएगी और किसानों के लिए कितना बड़ा होगा भला होगा। पर बहरहाल देखते हैं कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रिमंडल में मौका मिला है वो बाखूबी कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबर देखते हैं SBI 9 न्यूज़। नमस्कार।